लाडनो विधायक मुकेश भाकर को परिवार और सबसे पहले मैं बात हूँ मुकेश भाकर की मम्मी जी हूँ तो ताको बेटो जब बचपन में छोटो हो जब थे कभी सोचो बेटो दो बार एमएलए बन जैसी लगातार कोई नहीं तो कभी कोई नहीं सोचो छोटो सो और नहीं

पर ये पढ़ाई में होशियार था तो मैंने इसके लिए सब कुछ नशा वगैरह त्याग दिया और मैंने ये सोचा था कि ये इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेशे की तरफ से मैंने इसकी मदद बहुत की है और अभी तो मैं ने कोई भी परिस्थिति से नहीं डरता हूँ इसके क्योंकि इस पर लॉड होता है तो मैं कभी इसको पता नहीं, ताने नहीं। ताने पेट नहीं दिन मैं चार घंटा चुनाव होता था फिर भी किसी को मैं सुबह छः बजे उठ जाता था फिर गाँव में जाता था कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि ये काम हर काम कर सकता हूँ मैं लॉर्ड होने के कारण मैं अभी भी हर परिस्थिति में कुछ भी परिस्थिति हो उसमें काम कर सकता हूँ कहीं डरता नहीं यूनिवर्सिटी युनु, में मुकेश पटवा ने गई पहली बहुत कॉलेज में गई हो जब बैठाया नेतागिरी ग्रीजें धन कोई कियोग को नहीं कि मुकेश खराब हो जाए नहीं एक दो को बोला कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे बदमाशी टाइप करता है ये करता है तो मेरे को पता नहीं था राजनीति में रहा मेरे को तो जब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा जब मैं पता लगा कि ये राजनीति तन पहली बार कद महसूस हो कि मुकेश आगे राजनीति में आगे बढ़ सके और आगे कामयाब हो सके कॉलेज में कुछ धरना प्रदर्शन कर रहा था तो उस टाइम मेरे को ये पता लगा है कि ये कुछ राजनीति की तरफ जब भी तो कर रहा होगा चुनाव के लिए बाकी मेरे को पहले पता नहीं था कि ये राजनीति में जाएगा तो खारियो गाँव, जो सो गाँव है छोटो सौ गाँव है एक माने विधायक बनो गाँव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गाँव को एक विधायक बन गयो अब था कि कहीं तमन्ना है कि मुकेश आगे आगे बढ़े आगे कायम बढ़वा की ताकि तमन्ना है। अभी तो ये जो अपनी मेहनत करेगा उसी पर है जो तो ये तो हालात और परिस्थितियों के ऊपर है कि भाई आगे कैसे क्या होगा ये अपनी मेहनत करता है उस हिसाब से मैं भी तो पूरी इसके हेल्प करता हूँ बात मा, मा बार मुकेश की मम्मी ने पूछे हो थाने का विधायक बने बाद में थाने भी रिश्तेदारी जाओ बेटा एम एल नहीं मेरे को ऐसे नहीं पर जनता मेरो को इज्जत बहुत देती है के मुकेश के पिताजी है ये तो उससे हाँ बेटा की वजह से तो मेरे को ऐसे फकर महसूस अब और का या मुकेश के सागत जगह बच्चा लाग रहा है कहीं नेतागिरी के मारे आगे बढ़ाने लाग रहा है भाई उसमें तो उनको जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ा मेरे गाँव के और तहसील ने जो छत्तीस कोम ने हमारे को सहयोग दिया है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कठिन परिस्थिति में पहल का चुनाव था अब की बार भी बहुत ऐसे परिस्थिति थी उसमें भी हमने बहुत मेहनत की है कि कहीं भी लूज नहीं रखा लास्ट वोट पड़ा उस तक पूरी थाने पहल पहल का चुनाव टप होगा पिछली वाला भी टप था और अब की बार भी टप था पर इनको जो हमारा मैनेजमेंट है टीम का वो सबसे बढ़िया उसी कारण से दोनों बार जीते जो तो मैनेजमेंट तो, ए मुकेश भाकर का परिवार का मम्मी पापा हा जहाँ की तमन्ना बिल्कुल पहली कौन नहीं लेकिन ज्यों ज्यों मुकेश आगे बढ़ते तो गयो आन लाग बल लाग्य हो मुकेश नेतागिरी में आगे बढ़ सी और आज लगातार दूसरी बार विधायक बन रहा है लाडनू का अपने आप में बहुत बड़ी बात है अब देखा मुकेश को भाग्य आने खट्टे लेट जाए आगे मेहनत खट्टे पहुँचावे सैग यासिफ़ के साथ हनीफ खान डीडवाना